गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास हमने बात की थी आईयूपीएसी की कुछ नॉर्मल टर्म्स की, जैसे मूल शब्द की बात की थी, प्राथमिक अनुलग्न की बात की थी कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं, हम उनकी चर्चा की थी। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे उस जनरल टर्म्स की नाम कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें हमारी यूज होनी है। तो मूल शब्द की परिभाषा आपको मैंने आपको बता दी कि मूल शब्द होते क्या है। कोई आपकी जनक श्रृंखला है, उस जनक श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, उन कार्बन परमाणु की संख्या होगी वो कहलाएगी आपकी मूल शब्द। उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न की। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, अगर हम प्राथमिक अनुलग्न की बात करें तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, किसी भी जनक श्रृंखला में, आपकी कोई जनक श्रृंखला है किसी भी जनक श्रृंखला की, सैचुरेशन, किसी भी जनक श्रृंखला की सैचुरेशन को प्रदर्शित करने वाले समूह क्या बंद होते हैं। तो किसी भी जनक श्रृंखला की सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी, प्राइमरी सफिक्स होगा। और प्राइमरी सफिक्स केवल हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। डबल बॉन्ड होगा उसके लिए क्या करेंगे, इन यूज करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें क्या करेंगे, आयन। तो इन सबके सब टेबल्स को देखते हुए, इस पूरी कहानी को देखते हुए हम एक टेबल तैयार करेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक है बच्चे, कॉपी करो उसे पहले। देखो अगर हम बात करें इसकी, जैसे क्या करना है, अगर देखो सिंगल बॉन्ड है सी वन है, अगर कार्बन संख्या एक है, सिंगल बॉन्ड अगर आएगा तो इसका नाम मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथ्यो। करना क्या है, हमें यहां से जो टर्म लेने हैं, जो हमें यहां से टर्म लेने हैं वो जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको दो कलर में लिखे हैं, एल्क को रेड कलर से लिखा है और एन को या इन को इससे लिखा है, ब्लैक कलर से लिखा है। मान लो कोई जनक श्रृंखला, उसमें कार्बन की संख्या केवल एक है, तो उसका नाम क्या आएगा। अगर बॉन्ड्स केवल बॉन्ड है, कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तब की बात चल रही है, तो ये आपका इस प्रकार यहां से क्या जाएगा, मैथ। और यहां से क्या आएगा, एन, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, मैथेन। इसी प्रकार से यहां पर तो आएगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड आएगा नहीं, कार्बन एक एक होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं एथ, अगर कार्बन की संख्या दो है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लेंगे एथ और यहां से हम लेंगे एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम यहां से क्या लेंगे, एथ, और यहां से लेंगे इन, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, एथ इन। अगर हम कार्बन की संख्या दो है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एथ आएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो क्या बन जाएगा, एथ आइन। इसी प्रकार से प्रोप, अगर मैं प्रोप की बात करूं तो यहाँ पे प्रोप आ जाएगा, यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पे पेंट, यहाँ पे हेक्स, यहाँ पे सेप्ट या हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। इसी प्रकार से यहां पे इसे एक बार लिख लो, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। इसके लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, नॉन, होल्डिंग। कहानी क्या है, जो मूल शब्द हमने सारे लिख लिए हैं, हम बात करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो ये प्रोपेन हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, ये पेंट, अगर पांच कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, छह कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्स एन हो जाएगा। हमें क्या लगाना है, एन लगाना है, क्या लगाना है, एन। यहाँ पे भी एन लगा दो, सेप्टेन, यहाँ पे ऑक्टेन हो जाएगा, नौ कार्बन वाले के लिए नोनेन, 10 वाले के लिए डेकेन हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोप, इसके लिए इन आ जाएगा, इसके लिए ब्यूट इन हो जाएगा,
ये पेंट इन हो जाएगा, ये हेक्स इन हो जाएगा, ये सेप्ट इन हो जाएगा, ये ओक्ट इन हो जाएगा, ये नॉन इन हो जाएगा और ये डेक इन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिए क्या जाएगा, प्रोप आइन हो जाएगा आपका, ये ब्यूट आइन हो जाएगा, ये पेंट आइन हो गया और ये हेक्स आइन हो गया, सेप्ट आइन हो गया, ओक्ट आइन हो गया, नॉन आइन हो जाएगा और ये डेक आइन हो जाएगा। तो एक नॉर्मल से टेबल हमारी बन गई है जो आईयूपीएससी की सब टर्म्स में यूज होने वाली है और काफी इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टेबल से काफी बेनिफिट मिलेगा। इससे आगे की हम बात करते हैं, कट दी उसके बाद जो यूज होता है वो होता है बच्चे पूर्व लगन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी पूर्व लगन की। पूर्व लगन जो होते हैं वो नाम से पहले लगाए जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो पूर्व लगन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी पूर्व लगन होता है, एक सेकेंडरी पूर्व लगन होता है। लेकिन हाई स्कूल के अंदर हम बात करें तो केवल आपको सेकेंडरी और पूर्व लगन देखना है। कौन सा देखना है? द्वितीयक पूर्व लगन। कौन सा देखना है? द्वितीयक। ये कोई क्रियात्मक समूह हो सकता है या मोस्टली ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं। प्रतिस्थापी समूह मतलब जो एक को हटाकर लगाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह। बोलते हैं क्या होते हैं ये आपके? प्रतिस्थापी समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास एक हो सकता है, सबसे पहले इसे देखो नॉर्मल CH3 लगा मिल सकता है आपको, सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं मैथिल। क्या बोलेंगे इसे? हम मैथिल बोलते हैं। दूसरा C2H5 हो सकता है, इसे हम बोलेंगे एथिल। इसे उसके बाद F हो सकता है, इसे बोलेंगे फ्लोरो। Cl हो सकता है, इसे बोलेंगे क्लोरो। Br हो सकता है, इसे बोलेंगे ब्रोमो। I हो सकता है, इसे बोलेंगे आइडो। OCS3 हो सकता है, इसे बोलेंगे मैथोक्सी। C2H5 हो सकता है, इसे बोलेंगे एथोक्सी। NO2 हो सकता है, इसे यूज करेंगे नाइट्रो। क्या यूज करेंगे? नाइट्रो। NH2 हो सकता है, इसे बोलेंगे हम एमीन। अगर इसके ये मोस्टली आपको यूज करने हैं वो ये वाले ग्रुप है। सपोज दैट आपके पास एक नाम है, बहुत ही सिंपल है, पहला नाम लिखते हैं हम। आज जो नाम लिखेंगे वो केवल प्रीफिक्स यूज होने वाले नाम लिखेंगे, क्रियात्मक समूह की चर्चा भी नहीं करेंगे। क्रियात्मक समूह को अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पहला नाम आपके पास ये है, देखो जरा ये आपके पास कोई कंपाउंड है CH3CH2CH3। ये एक नॉर्मल एल्केन है। क्या है ये आपका? नॉर्मल एल्केन है। तो इसके अगर नाम की चर्चा की जाए तो इसमें केवल कितने कार्बन है? इसमें कार्बन की संख्या कितनी है भाई? 3। कार्बन 3 है मतलब C3 है। और पीछे हम देख चुके हैं कि जो कार्बन 3 होता है उसके लिए हम लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं बच्चे? प्रोप प्लस। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आपका सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन। तो इसका नाम क्या होगा अगर हम इसके नाम की बात करें? तो इन दोनों को ऐड कर दो तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है? दूसरा, आपके पास कोई जनक श्रृंखला दी हुई है इस प्रकार की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे कोई CH3 लगा हुआ है, आगे ये CH2। इसमें मैंने क्या कहा था, ये जो आपका CH3 है ये CH3 मैथिल है, प्रतिस्थापी समूह है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी, उस हाइड्रोजन को हटा के हमने CH3 लगा दिया तो ये आपके बन गए प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? अभी जिस नंबर पे है
नंबरिंग करनी होगी, नंबरिंग कहीं से कर लो, दो नंबर पे आएगा। ठीक है, हमने नंबरिंग करी 1, 2, 3, ये दो नंबर पे है, तो क्या आएगा यहां पे? 2-methyl, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले आने वाला 2-methyl। कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप। बॉन्ड सिंगल है तो एन लिख दो, प्रोपेन। अगला नाम CH3 CH2, यहां पे लगा हुआ है Cl और ये CH3। नंबरिंग इस साइड से करेंगे कि इस साइड से प्रतिस्थापित समूह नजदीक बैठेगा। 1, 2, 3, 4, प्रतिस्थापित पूर्व लगन पहले लगने वाला क्या आया यहां पे? Cl। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। तो इसका नाम क्या होगा? 2-chloro, 2-chloro। कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। तो नाम क्या बन गया? 2-chloro ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगला नाम CH3 CH double bond CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसकी नंबरिंग हम यहां से करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड के स्थान पर डबल बॉन्ड यूज हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, इसका नाम क्या होगा? अगर मैं इसका नाम की बात करूं तो इसका नाम बन जाएगा आपका 1-chloro 1-chloro। कितने कार्बन? 4। ब्यूट बॉन्ड कैसे है? डबल, डबल के लिए आएगा ईन, ब्यूट ईन। तो इस प्रकार से हमें नामकरण करना है। ठीक है, जो भी ग्रुप हमारा होगा उस ग्रुप के हिसाब से हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सब कॉपी करो। अच्छा, अगर हम अगले नाम की बात करें, अगला क्रम में नंबर 5 होगा CH3, यहां पे Cl है, यहां पे Br लगा हुआ है, यहां पे CH3 आ गया। नंबरिंग करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब दो प्रतिस्थापित समूह लगे हुए हैं, एक Cl लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, तो Cl के लिए क्या आएगा? क्लोरो। Br के लिए क्या आएगा? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आपका एबीसीडी में पहले आता है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? 2-bromo 3-chloro। कितने कार्बन है? 4। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर आपका ये दिया हुआ है CH3 OCH3, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मैथोक्सी। एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, मैथेन। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? मैथोक्सी मैथेन। इसी प्रकार से अगर ये नाम आ जाए आपको, तो इसे बोलेंगे हम एथोक्सी। ये एथोक्सी हो गया और ये दो कार्बन वाला एथेन हो गया। इस प्रकार से हम कवर कर लेंगे। इससे अगले पार्ट में कुछ नाम्स लिखेंगे कि नाम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो होगा सर, चौथा पांचवा छठा पार्ट जाके होगा, 6-7 पार्टों में कंप्लीट होगी हमारी। तो ये नॉर्मल वे में, सबसे इजी वे में आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।